हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। चलिए, अभी तो मैं नहा के निकली हूँ। मॉर्निंग तो नहीं है, 12 बजने वाला है, और 12 बजने में 15 मिनट मॉर्निंग है। अभी 15 मिनट बाद गुड आफ्टरनून होगा। तो मैं कपड़े डालूँ, फिर मुझे बाहर जाना है। इसलिए मैं थोड़ा घर का जल्दी जल्दी काम कर ली हूँ और मुझे बाहर निकलना है। लो नहीं किया, ये पूड़ी बनाई है मैंने और ये सब्जी। चलिए दिखाते हैं, बाहर लेके चलती हूँ। इसका मैं क्या करती हूँ, मास्क ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। ये देखिए मास्क, इतने सारे मास्क। उठ सबरे कदम कभी खुशी कभी खुशी कभी गम गम कर बेसमेंट में ना बहुत अंधेरा है, पता नहीं अच्छी से तो आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अंधेरा बहुत है, जैसे ही बाहर निकलूंगी, बाहर तो धूप है, वो तो उजाला ही है। जम जाएगा ये हनुमान जी, बड़ी दूर से आ रहे हैं सब भक्त लोग, तो जय भाई जी के बाबा जी माता जी बाहर से आ रहे हैं। भाई जी, आप जो कार सोचा है वो तो कार वो जल्दी पूरा हो जाएगा। भूख लगी है, रोटी नहीं खाता भूख लगी है कि नहीं? ये भी खाएगा।
किधर मतलब थोड़ा साइड से ना दीदी, दो बच्चे हमारे हैं दीदी, एक और है बिटिया, एक मेरे बहन है। मौसमी कैसे दिए बेटा? सही से लगा दे, 5 किलो चाहिए। और वो पाइनएप्पल 50 रुपए पीस। चल ऐसा करना, 2 पाइनएप्पल करते हैं। बट बेटा मौसमी मुझे यही चाहिए, ये पाइनएप्पल तो मुझे दिखा दे बेटा। ये वाली खराब है, ये वाली खराब नहीं। देख मैं तेरे यहाँ से ही ले जाती हूँ, दूसरा दे दे। हाँ ये वाला चाहिए। हाँ हाँ ये तो ठीक है। हाँ हाँ ये दे दे बेटा, ठीक। पीछे डिग्गी में रख दे बेटा, पीछे डिग्गी में रख दे। पपीता तो है घर पे। भैया कल मैंने कंप्लेन लिखवाई थी प्लम्बर के लिए, तो आपने भेजा नहीं। तो बता दिया गया था। हाँ तो हाँ पता नहीं, भेज नहीं। आज आप फिर से कंप्लेन लिखिए और भेज दीजिए। देखिए मेरा ये ना फल धुलने का नया तरीका है। सिंक में मैंने नमक और बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसे मैंने 5 मिनट छोड़ दिया था। अब ये मैंने सिंक में जो है मैंने क्या लगाया था, ये पॉलिथीन लगा रखी थी जिससे पानी रुका रहे 5 मिनट। इसे नमक और सोडा में इसमें डालने पे अच्छे से धुल दें। गर्म पानी में मैंने रखा था, 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। आज मैं आप लोगों के साथ मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 1 बाउल क्यूमन सीड्स जीरा है और 25-30 स्मॉल कार्डमम छोटी इलायची और 30-35 सिनेमन स्टिक दालचीनी और 7-8 लाल कार्डमम बड़ी इलायची, 1 मेस जावित्री, 1 नटमेग जायफल, 30-40 क्लब्स लौंग, 5-6 लौंग पेपर पीपली और 3 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। और इसे मिक्सर जार में डाल लें। इसे भुनना नहीं है, गरम नहीं करना है। गरम करने से इसकी महक जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसे आपको गरम नहीं करना है। बस ऐसे ही साबुत मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेना है।
देखिए इसे मैंने एकदम अच्छे से पीस लिया है और इसे कांच के जार में ही रखे हैं। कांच के जार में रखने से इसकी महक वैसी की वैसी बनी रहती है।